छत्तीसगढ़ को आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। पाठक जी से जानते हैं कि वो बंद कराए हैं। जी पाठक जी, क्यों बंद करवाए हैं आज छत्तीसगढ़ को पूरा? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है और विष्णुदेव सरकार ने जब से इस छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है, तब से लगातार छत्तीसगढ़ में अपराध अपनी चरम सीमा पे है। आप जशपुर का ही देख लीजिए, लगातार कभी कुनकुरी में हत्या हो रही है, कभी जशपुर शहर में हत्या हो रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बलरामपुर में दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों रुपए की डकैती हो गई। लगातार हर जगह पे अपराध बढ़ रहे हैं। बजाय इसको नियंत्रण करने के, विष्णुदेव साय सरकार की पुलिस जो है वो निर्ममता पूर्वक कवर्धा जिले में जो अपराध को रोकने में असक्षम रही, उसकी खीज निकालने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति प्रशांत साहू की इन पुलिस वालों ने मार मार कर हत्या कर दी है। विष्णुदेव सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज उसी के विरोध में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरा छत्तीसगढ़ का बंद का आह्वान किया गया है। जशपुर में भी हमें व्यापारियों का पूरा समर्थन मिल रहा है और यह कांग्रेस का बंद ही सफल है। धन्यवाद। यहाँ पे विनय भगत जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे आज बंदी के संबंध में। जी भैया, देखिए, आज जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है, उसके बाद पूरे प्रदेश में अराजकता सनिर्मित हो गया है। हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, कितनी सारी घटनाएं हो रही है दिनों दिन। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं बचा जिस दिन कोई ना कोई घटना सुनने को नहीं आता है। तो आज देखिए, कवर्धा में जो कांड हुआ, निर्दोष व्यक्ति के ऊपर जो इन्होंने जो प्रहार किए पुलिस के द्वारा, तो यही सब विरोध में हम लोग यहाँ पर आज पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश बंद किया गया है और जशपुर भी इसमें पूरा समर्थन दिया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज लोगों के सामने लोगों की पीड़ा है, इसलिए सभी समर्थन दिए हैं। होटल खुला हुआ है। सुबह 10 बजे का वातावरण देख सकते हैं, जशपुर में पूरा बंदी का माहौल। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो दुकान खुली है उनसे रिक्वेस्ट करके बंद कराते हुए यहाँ पे तो नगर पालिका वाला मतदान कर मंगल कल खाना कल करवा देगा।
स्टैंड बनाइएगा जी। ओके जी, जो जो दुकान खुले हैं उनको रिक्वेस्ट करके बंद कराते हुए, हम लोग छत्तीसगढ़ बंद करवा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर करके बंद करवा रहे हैं। जो बंद नहीं कर रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करके बंद करवा रहे हैं जी, रिक्वेस्ट करके बंद करवा रहे हैं, जो बंद नहीं कर रहे हैं उसको। नेताजी के भाषण में कोई असर नहीं है। कहीं कहीं पे दुकान खुली है उनको रिक्वेस्ट करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बंद करवाया जा रहा है और बंदी का समर्थन मांगा जा रहा है। तो उसको चांद को घूम रो 50 के तेल मतलब 500 का। चाचा होटल को छोड़ रहे हैं, हम लोग को दिन भर कोई काम नहीं है, खाली बोलना है। चलिए दीदी, आज बंदी करवा रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज छत्तीसगढ़ में बहुत से अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है और शासन का कानून बहुत ढीला है, जिसके वजह से आज हम लोग पूरा प्रदेश में, पूरा छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान कर रहे हैं, जिससे कि छत्तीसगढ़ शासन जागरूक हो जाए कि छत्तीसगढ़ में जो भी अन्याय हो रहा है और अशांति फैल रहा है हमारा देश, हम लोग चाहते हैं, हम सब महिलाएं चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ शांति का राज्य हो और यह देश एक शांति और प्रेममय और भाईचारा रहे। इसी के लिए हम लोग पूरा प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरा बंदी कर रहे हैं। धन्यवाद भैया। जसपुर में बंदी का असर कैसा है? बंदी का असर बहुत अच्छा है, व्यापारी और सभी वर्गों से अच्छा सहयोग मिला है। अभी तक तो पूरा मार्केट बंद है, मतलब उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि पूरा बंद है।